हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने अपने भिंडी की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। प्लीज़ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। सबसे पहले ये 7 बजे का टाइम है अराउंड, और मैं अपने बेटे को लेके पार्क में गई थी। थोड़ी देर में रोज़ी उसे लेके जाती हूँ, और मैं वॉक करने लग गई थी और मेरा बेटा पार्क में खेल रहा था। पार्क के बाद मैं और मेरा बेटा मंदिर गए थे। उस दिन ट्यूसडे था, तो ट्यूसडे को हम लोग मंदिर जाते हैं। आधा किलो भिंडी ली है, जिसे मैंने धो के साफ़ करके अच्छे से रख लिया था सुबह ही, क्योंकि मुझे पता था मुझे शाम को बनानी है ताकि अच्छे से सूख जाए। अब मैं इसको काट रही हूँ। इसके जो आगे वाला भाग होता है और जो पीछे वाला भाग होता है, उसको मैं पहले काट लूँगी। और ये मैंने अच्छे से सारी भिंडी के आगे पीछे के जो भाग हैं वो मैंने काट लिए हैं। अब मैं इसको काटने लगी हूँ छोटे पीसेस में। कई लोग इसे राउंड काटते हैं, लेकिन मैं इसको बीच में से काट के फिर इसके पार्ट्स करती हूँ और थोड़े बड़े पार्ट्स रखती हूँ, क्योंकि वो जो छोटा गोल राउंड करके काटना होता है वो मतलब मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, और ये जल्दी से कट भी जाती है और अच्छे से मैं बीच में से देख भी लेती हूँ कि इसमें कीड़ा तो नहीं है। लेकिन आजकल जो भिंडी आ रही है उसमें वैसे कीड़ा तो नहीं आ रहा है, बिल्कुल साफ़ भिंडी आ रही है। तो इसे मैं अच्छे से काट लूँगी, और देख हमें जो भिंडी है बीच में से काट के देख के ही काटनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है इसके अंदर कीड़ा होता है। तो ये सारी भिंडी मैंने अच्छे से काट ली है। मैंने कढ़ाई रख दी थी, उसे अच्छे से गर्म कर लिया था, और इसमें अब मैं सरसों का तेल डाल रही हूँ। इसके लिए मैंने 2 प्याज लिए हैं। 1/2 किलो भिंडी थी, उसके लिए मैंने मीडियम साइज़ के 2 प्याज लिए हैं, क्योंकि इसकी क्वान्टिटी अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा प्याज भी ले सकते हैं। और मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, और मैंने 1 हरी मिर्ची ली है। मैंने जो है, आप अगर इसको ज़्यादा तीखा करना चाहते हैं तो आप 2 मिर्ची भी ले सकते हैं। ये मिर्ची बहुत ही तेज़ है, इसलिए मैंने 1 ही ली है। भिंडी जो होती है उसमें हरी मिर्ची अगर कटी हुई डली हो और जब वो आप खाते वक्त आपके मुँह में आती है तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर देती है। अब ये मैं हरी मिर्ची काट रही हूँ। बस ये 3 चीज़ें ही डालूँगी। जिंजर गार्लिक का पेस्ट जो था, जो रेडीमेड मिलता है, मैंने वो ही रख लिया था। अगर मैं इसमें कच्चा वाला जो मिल होता है, जो हम छीलते हैं वो वाला, अगर मैं डालती तो उसको मैं पीसेस में काट के डालती, उसके मैं पेस्ट नहीं बनाती। ये मैंने ज़ीरा डाल दिया तेल जब अच्छे से गर्म हो गया। मैंने पहले भी बताया था कि सरसों का तेल अच्छे से गर्म करना चाहिए, जो उसका कड़वापन होता है वो सारा निकल जाता है। इसमें मैंने प्याज, हरी मिर्च और लहसुन अदरक का पेस्ट ये डाल दिया है। इसको मैं अच्छे से भून लूँगी जब तक इसका जो कलर है
हल्का ब्राउन नहीं हो जाता, ट्रांसलूसेंट यानी कि जब बीच में से हल्का सा चमकदार जब प्याज हो जाता है तब तक मैं इसको भूनती रहूँगी। अब मैं इसमें लाल मिर्ची मैंने डाली है, ये जो लाल मिर्ची है ये सिंपल लाल मिर्ची नहीं है, देगी मिर्च है, सिर्फ मैं कलर के लिए डालती हूँ। ये हरी, ये है हल्दी, और उसके बाद मैं इसको फिर से थोड़ी बस कुछ सेकंड्स के लिए इसको भून लूँगी ताकि जो मेरी मिर्ची है और जो ये हल्दी है ये अच्छे से भून जाए, इससे इसका कलर अच्छा आएगा। और इसको ये अच्छे से मैंने भून लिया है, देखिए इसको मैं अच्छे से भून रही हूँ, चलाती जा रही हूँ कड़छी में ताकि ये जले ना, क्योंकि जो ये प्याज है ये भिंडी के साथ भी भुनता है, इसका कलर और आके चेंज होता है, तो इसलिए मैं इसको इतने ही तक भूनूंगी। अब मैंने इसको प्याज को और हल्दी मिर्च को भून लिया था अच्छे से, इसमें मैंने अब ये भिंडी, कटी हुई भिंडी डाल दी है। जो मैं मसाले हैं इसके वो मैं ऊपर से डालती हूँ जब मैं भिंडी डाल देती हूँ उसके बाद, उससे क्या होता है कि जो मसाले होते हैं वो तेल में डायरेक्टली जलते नहीं हैं। तो ये मैंने नमक डाल दिया स्वाद अनुसार, आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। ये मैंने धनिया पाउडर डाला है, मैंने ज़ीरा पाउडर डाला है, ये मैंने गरम मसाला डाला है। और जो भिंडी होती है उसकी अगर आप उसको लिपलिपी सी नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाल दीजिए, खटास के लिए कोई भी चीज़ आप डाल सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो। मेरे पास आमचूर था तो मैंने आमचूर डाल दिया। कभी भी आपकी जो भिंडी है लिपलिपी सी नहीं बनेगी, लेस वाली नहीं बनेगी, बिल्कुल खड़ी खड़ी भिंडी बनेगी। अब मैं इसको अच्छे से चला लूँगी और इसको मैं ढक के रख दूँगी और इसको सिम पे मैं पकाऊँगी ताकि जो मेरी भिंडी है जले ना। कई बार क्या होता है कि हम अगर उसको हिलाना भूल जाते हैं बीच में तो वो जलने का थोड़ा ख़तरा उसका रहता है, तो इसको मैंने सिम पे रखा था। तो ये अभी मेरी बस एक आधे मिनट की भिंडी रह गई है बनने के लिए, इसको मैं चला रही हूँ बस, उसके बाद मैं इसको बंद कर दूँगी। ऑलमोस्ट ये बन चुकी है लेकिन फिर भी मैं इसको कुछ आधे मिनट के लिए अभी रखूँगी। देखिए बिल्कुल भी लिपलिपी सी नहीं बनी है क्योंकि इसमें मैंने आमचूर पाउडर डाल दिया था। देखिए ये इसके ऊपर मैंने धनिया से गार्निशिंग की है और ये खाने के लिए अब रेडी है। फुलकों के साथ इसे खाइए, बहुत ही लजीज है।